तो देखिए भाजपा नेता नंद कुमार साहा के इस्तीफे के बाद अब राजनीति सियासी गर्मी बढ़ गई है। भाजपा नेता नंद कुमार साहा के इस्तीफे के बाद जहां स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने इसे नंद कुमार साहा का काफी लंबे समय बाद उपेक्षा के बाद दिया गया निर्णय बताया, वहीं प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इस्तीफे को लेकर कहा कि भाजपा में लगातार आदिवासियों की उपेक्षा हो रही है। सुनिए, आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार विश्व आदिवासी दिवस होता है, उस दिन बेइज्जती करके हटाया गया। कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, वो आदिवासी मुद्दे पे काफ़ी उनसे समानता रखता है। मैं ज़रूर आग्रह करूँगा कि अगर आगे का दिशा तय करें तो कांग्रेस की तरफ ज़रूर रुख अपनाने के लिए विचार करें। वो अनुभवी हैं, उनने एक निर्णय लिया, बहुत परिपक्व हैं, विद्वान हैं, बहुत दशकों तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जनसेवा की। किन्हीं कारणों से उनका ये निर्णय हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी में अब नहीं रहना चाहते? तो बीजेपी की पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता नंद कुमार साहा ने पार्टी से कल इस्तीफा दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक इसका असर छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिलेगा और साफ तौर से साल 2023 अंतिम में जो चुनाव होने विधानसभा पे उस पर भी जरूर पड़ेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी।